तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे न्यू चैनल पे। आज मैं पबजी का गेम, पता नहीं मुझे बार बार कौन स्ट्राइक क्लेम दे रहा है, मतलब स्ट्राइक नहीं कॉपीराइट क्लेम दे रहा है। प्लीज कॉपीराइट क्लेम दे। अभी हम स्टार्ट करते हैं और मैच के अंदर जाके मिलते हैं गाइस। मैच स्टार्ट हो चुका है, आप गेम का मज़ा लीजिए। अब क्योंकि मेरे पार्टनर मिलिट्री बेस, मैंने सोचा मिलिट्री बेस नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो मैं फॉलो कर ही लेता हूँ। फॉलो, ये पाकिस्तान का बंदा है, पर क्या पाकिस्तान में पहले हिंदुस्तान ही था। चलो इसको फॉलो कर देता, क्योंकि सोच रहा पूछो की करते वो ये वाला पबजी वालों से दिया नहीं, तो पहले यहाँ को घुमा गया हूँ। अभी खुद भी देख लेते हैं, एक स्क्वाड आई है हमारे साथ, इधर देख लेते हैं वो स्क्वाड जो खुद पोचिंग की पोटर डाल दी है। और एक स्क्वाड पोचिंग की भी नहीं, पोचिंग की लिए कहीं और जा रही है, वो भी सोच रहे हैं पोचिंग। जानवर अलग है, एक बंदा उधर उतर है, एक स्क्वाड उतरी है पूरी कोचिंग पे, पूरी टोटल छः जन है। वो बंदा कहीं और से लग गया, ये स्क्वाड इधर उतर गई। मुझे लगता है मैं आउट होने वाला हूँ, आती मुझे गन का नाम क्या है, शॉट गन ही कहते हैं हम तो। शॉट गन आ गई हमारे हाथ में, जो कि मुझे एकदम रॉकेट लॉन्चर लगता है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, शॉट गन बेकार है। बंदे इधर ही मुझे एक बंदे की चपाती हमने बना दी। वो टोटल बचे चार बंदे जिनको मैं कूटने की सोच रहा हूँ, पर ये ना हो जाए कि वो हमें कूट जाए, इसलिए मैं कोई अच्छी सी सीधी शादी का अनुरोध नहीं लगता हूँ। फिर मुझे बंदे को कूटना चाहते हैं, मेरा बंदा एक नंबर नॉक हो जाता है। तभी मुझे एक बंदे के मैं सोचता हूँ इसको जाके नॉक कर देता हूँ। ये बहुत पागल बंदा होता है, नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। पास मुझे मिल जाती UMP9। फिनिश कर चुका होता हूँ जब तक मेरे पार्टनर इधर ये नॉक हो जाता है और ये ऑफलाइन चला जाता है। चलो मैं इसको रिवाइव ही दे देता हूँ। अब दो बंदों को तो मैंने ख़त्म कर दिया है, इधर से मुझे और घर में जाता हूँ जिस घर में पहले सबसे पहले मुझे ये गन मिली। इधर से ये मुझे फुटप्रिंट्स आते हैं, मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज मुझे एक बात बता दो, क्योंकि ऑडियंस देख रही, ऑडियंस के सामने कचरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं पबजी इतना अच्छा नहीं खेलता,
उसके पास शॉटगन और मैं मेरे पास लो हाफ बस्ती है क्योंकि मैं अंदर हो जाता है। मैं मुझे पता था मेरी किस्मत ऐसी है पबजी में पर मेरी हेल्थ नहीं थी ऊपर से। अब दूसरा मैच स्टार्ट करेंगे और गाइस मैं आ चुका हूँ दूसरे मैच में। अब देखते हैं अब क्या होता है। अगर इस मैच में हार गया तो मैं फिर मैच Fall back to safe zone. सीधा उस पे डाल दूँगा क्या टीडीएम के फिर एक मैच फिर एक वीडियो बंद कर दूँगा। अब देखते हैं ये कहाँ पे उतारते हैं देखते हैं ये कहाँ पे उतारते हैं हमें। Fall back to safe zone. मुझे ना मेरे दोस्त दोस्त कहते हैं जब माइक ले लो आवाज़ क्लियर आती है। मुझे तो मेरी आवाज़ ऐसी क्लियर आती है। मैं अकेला थोड़ा बैठा हूँ। Stay alert. Stay alert. ये बताने की कोशिश ये लगता है मैं ये उतार के फिर आऊँगा। देखो बंदा अपना पोजीशन चेंज कर रहा पर ये मुझे पता नहीं था तो उतार रहे हैं एक अब छोटी सी जगह पर उतार रहे हैं। चलो हम ज़मीन पे लैंड होते ही बाद हम ज़मीन पे लैंड हो गए। बड़ी देर बाद इन्होंने बहुत ही जगह पर उतारा है। अभी खुद इस जगह घर पे आता है मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने थोड़ा इसको तो गन मिल जाती है मुझे एक हेलमेट मिलता है। मैं कहता हूँ इस मेरे हेलमेट से इस हेलमेट से क्या होगा जब मुझे एक और ये घर दिखता है मैं इस घर के अंदर जाता हूँ लूटने के लिए। इसमें भी इतना कुछ खास नहीं मिलता बाहर आता हूँ देख पिस्तल मिलती है। मैंने कहा पिस्तल से जमा था फोड़ेंगे। मैं छत पे गया वाह भाई मतलब इस घर में पबजी वालों ने एक पैन यूएमपी मिल जाती है। मैंने सोचा बाहर जाके उस बंदे को कूट लूं। पर उस बंदे को पहले कूटते थे हमारे दोस्त मतलब हमारे टीममेट उस बंदे का खात्मा कर लिया। उसी मिल जाती है बंदा था जैसे कोई बंदा मार रहा है मुझे ये भी वो बंदा था जो मुझे कूट रहा था। मैं सोचता हूँ ये थोड़ी सी ये आवाज़ को करना इग्नोर करना प्लीज़। एक नॉर्मल जिसके वो बंदा उधर भी अभी भी उधर ही है इसको पिस्तल से खत्म कर लेते नहीं वो उसकी पेटी बन चुकी है। ये मेरे साथ थोड़ा ग्लिच होने लगता है मुझे एक थोड़ी सी ये
भी नहीं और देखो अपन देखो कौन आता है la gente me está con el They're coming! Heal up! Get to the safe zone! Search for vehicles. I got supplies. Thank you.
गाइस तो मैंने 4 किल कर दिए और वो मेरा बंदा लेके जा रहा है। मैंने कहा रुको रुको मैं नहीं मार रहा हूँ, आगे एक बग्गी है, मैं उधर जाने वाला हूँ। मुझे इनको एक क्या खाना चाहिए, एक को उतार के दूसरे को बग्गी। वो भी मुझे लेना आया था और पता नहीं ये ऐसे क्यों चला रहा है, वो तो फाट चला है, इसको क्या हो, इसने भी अपनी चूस बताया। और पीछे वो जीप थी, ये वापस उधर से जा रहे हैं, ये सोच रहा हूँ कमाई चलो। हेलो भाई पीछे चलो पीछे, मैं सोचे अपनी कंट्री के नहीं है, दूसरे कंट्री के हैं, मतलब कोई और कंट्री के हैं, रशिया वशिया वहाँ से हैं। तो अपनी उसी जगह भी जा रहा था, थोड़े दूर वाले की आवाज है। और ये है ना मुझे इधर लेके आया है, ये देखो रिवॉर्ड के कोई बंदा आया था, नहीं नहीं हमारी फ्रेंड है, मुझे इधर डाक दिया, मिलकर डाक दिया जिससे हम इधर से मैं देखूँ तो मैं बंदी को दाजे पे बैठ गया था, 3 नंबर है वो, और मैं सोच रहा था दाजे वाला चल क्यों नहीं रहा, या रेस लगाने के लिए हुई है, रेस चलने लगा। उसको कंप्रेस करने में बहुत टाइम लगेगा, मेरा पार्टनर कर के यार चलते हैं बिना किसी 3 नंबर मुझे 5 नंबर को दिख रहे हैं। लूट लेता हूँ, इससे बहुत खतरनाक वाली लूट मिली थी। मेरे बंदे ने उसको उसके बाद में रोका था, मेरा जोन में fall back to safe zone. Fall back to safe zone. Zone mein ja kar lete hain.
मैंने अभी कल माइनक्राफ्ट की वीडियो डाली थी, वो मुझे नहीं पता मैंने एक हाउस का मेकिंग किया था, पता नहीं मेरे उस पर वो लग गया था, स्ट्राइक लग गया था कि कॉपीराइट मतलब यूट्यूब वाले फिर से इसमें
But the match is over, and the blue team is in the lead. लगता है मैच हम जीत जाएंगे पर मेरी वो भाई मैं अपनी Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Nice shot. स्नाइपर मारते हैं भाई स्नाइपर मारते मारते हम हो गए हैं परेशान पबजी छोड़ दो यारो इसमें है वो स्नाइपर मार रहा था मैंने उसको एक कहानी है जो सबको सुनानी है चलने वालों की तो रूह भी जलानी है बेस्ट इन दिस गेम ये विनर हुआ है आज का तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी अच्छी लगे चैनल को लाइक मतलब वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना